ऑडियो और वीडियो के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है लाइटिंग, क्योंकि आपके स्टूडियो की लाइटिंग अगर सही है तो आप जो भी लिख रहे हैं वो बच्चे को क्लियरली विजिबल हो पाएगा और साथ ही साथ आप भी अच्छे दिख पाएंगे, और जिससे होगा क्या कि बच्चे आपके वीडियो से ज़्यादा इंगेज करेंगे और आपके वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका लर्न सेंट्रल टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइटिंग के बारे में। तो देखिए, लाइटिंग आपका ज़्यादा कुछ हैवी बजट नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि 25-30 हज़ार रुपये लाइटिंग लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज जो आपको लाइटिंग बताऊंगा वो मात्र और मात्र 3 हज़ार रुपये से अंडर में ये सारी चीज़ें आपको सेटअप हो जाएगी, और अगर आप खुद करना चाहें तो खुद ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे प्रोसेस बता दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, लाइटिंग के सेटअप में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जरूरी चीज़ होता है वो होता है एलईडी ट्यूब, क्योंकि एलईडी ट्यूब से क्या होता है कि सॉफ्ट लाइट निकलता है। अब आपको क्या करना है, 8 पीस एलईडी ट्यूब लेना है। एक एलईडी ट्यूब आपका 20 वाट का रहेगा, ठीक है, और लगभग ये 230 रुपए का एक एलईडी ट्यूब मिल जाएगा। अगर आप 10 इस तरीके के ट्यूब लेंगे तो लगभग आपका बजट जो जाएगा वो जाएगा, 8 लेंगे तो लगभग आपका बजट जाएगा कितना, 30,000, 16, ठीक है, तो 230 × 8 ठीक। अगर आप 230 रुपए का एक एलईडी ट्यूब आता है और अगर आप 8 एलईडी ट्यूब लेते हैं तो इसका लगभग आएगा प्राइस 1850 के करीब में, ठीक है, 1850 रुपए के करीब में आएगा आपका प्राइस। 8 आपने एलईडी ट्यूब ले लिया, और बीच में जो आप देख रहे हैं ना, इतना सा गैप आपको रखना है, एक ट्यूब के बीच में आपको इतना सा गैप रखना है, यानी हाथ से आप इतना कर लीजिए, इतना सा गैप आपको एक ट्यूब के बीच में रखना है, और 8 एलईडी ट्यूब ऐसे पैरेलल सेट करके सामने से, जैसे ये चीज मान लीजिए सेट हो गई, इसको ऐसे सामने से ऐसे लगा देंगे, 8 एलईडी ट्यूब ऐसे ऐसे करके रहेगा इतना इतना के दूरी पे, ठीक है। अब आपका मात्र 1850 रुपये में 8 लाइट आ गया, इससे ही आपकी क्वालिटी काफी इनहेंस हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप इस तरीके का लाइट जब सामने आप लगाएंगे ना, तो आपकी आंखों के नीचे है ना काला घेरा जो होता है वो साफ साफ दिखेगा, स्पॉट करेगा, और आपका चेहरा हल्का काला आएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर का बाल होता है, तो बाल होने के बाद में क्या होता है ना कि लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा वो यहाँ से ललार से लेकर के यहाँ तक का चीजें काला होता है, बाकी मुंह वगैरह सब थोड़ा सा गोरा लगता है। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि जब इस चीजों को हम ऊपर में सेट कर लेंगे तो उसके बाद हम और 8 एलईडी बल्ब खरीदेंगे। अब एलईडी बल्ब एक 90 रुपए का मिल जाता है, तो लगभग आपको 750 रुपए इसका भी लगेगा एलईडी बल्ब का, और होल्डर आप मान करके चलिए तो होल्डर का 100 रुपया लगेगा, यानी कि 850 रुपया आपका, 850 रुपए के करीब में आपको यहाँ पे खर्च आएगा 8 एलईडी बल्ब का, ठीक है। अब 8 एलईडी बल्ब को आप 4-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 बल्ब को एक साथ और 4 बल्ब को एक साथ, होल्डर वगैरह लगा करके सारी चीजें सेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आप 8 मतलब आपने क्या किया कि 8 ट्यूब लिया लेकर के ऊपर में लगा दिया, उसके बाद में आपने 8 एलईडी बल्ब लिया, 4-4 डिवाइड कर लिया, होल्डर के साथ में एक साथ कनेक्शन करके रख लिया, उसके बाद में आपको लेना है 2 व्हाइट अम्ब्रेला। 2 व्हाइट अम्ब्रेला अगर जुड़े में लेंगे तो लगभग 400 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। और सपोज बाकी जो पैसा बचता है वो समझ लीजिए कि आपका होल्डर बल्ब वगैरह का हो जाएगा। अब ये 400 रुपये आप जोड़ लीजिए, 18 4 22 और 22, लगभग आपका अगर आप पैसा जोड़ लेंगे, अगर आप ये सारे पैसा जोड़ेंगे तो 3,000 से कम ही होगा, जो भी पैसा बचा वो समझिएगा तार और बाकी होल्डर वगैरह चीजों में लग जाएगा पैसा। तो आपको 2 अम्ब्रेला लेना है, और अम्ब्रेला का ना इस तरीके से डाटी होता है, आपको अम्ब्रेला लेना है, और अम्ब्रेला ना देखिए कुछ इस तरीके का रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको ग्रिप बना लेना है टेप वगैरह साइड करके, और यहाँ पे 4 जो लाइट है उसको सर्कुलेट कर लेना है। सर्कुलेट करके आप इस तरीके से सामने से जो आप जिस साइड में आपका कैमरा रहेगा उस साइड से इसको ऐसे अगर लाइट देंगे ना, इसमें तो सॉफ्ट लाइट बन करके आपके चेहरे के ऊपर आएगा, और ये हमेशा ना 45 डिग्री के एंगल पर रखिएगा, क्यों, और अपने हाइट से नीचे रखिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो चेहरा पे है वो सॉफ्ट लाइट का काम हो जाएगा, यानी कि जो चेहरा जो काला आ रहा था वो चेहरा काला भी नहीं आएगा, अगर 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप बना करके डालेंगे तो। अब इससे हुआ क्या कि आपके जो वीडियो में प्रॉपर लाइटिंग का सेटअप हो गया मात्र 3,000 रुपये में, और आपका जो वीडियो क्वालिटी है कई गुना ज्यादा इन्हेंस कर गया लाइटिंग के मामले में, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई मोबाइल से फोटो लीजिए दिन में तो कितना अच्छा क्वालिटी आता है, वहीं फोटो रात में लीजिए तो कितना खराब क्वालिटी आता है। तो आप इन चीजों का समझिए कि कैमरा के लिए लाइटिंग बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप 1 लाख रुपए का भी कैमरा ले लेंगे और लाइटिंग कंडीशन अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका कैमरा उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा,
और अगर कहा जाए ऑडियो और वीडियो के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लाइटिंग का। तो उम्मीद है आपको लाइटिंग की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको माइक के बारे में जानना है या वीडियो कैप्चर डिवाइस के बारे में जानना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दिया हूँ। और अगर आप ये सारी चीजें सेटअप कर लिए हैं वीडियो देख करके, या आप अपना पहले से भी सेटअप रेडी कर लिए हैं और आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास पे पढ़ाना और आप चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना और आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दिया हूँ, या मुझसे यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन लेने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप नहीं कीजिएगा। तो आपको अगर ये लाइटिंग का सेटअप समझ में आ गया होगा और आप अगर आप अपना लाइटिंग सही कर लिए होंगे, या आप पहले से भी लाइटिंग वगैरह सही करके आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बट आपके पास में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और एप्लीकेशन का फीचर जानने के लिए मैं आपको आई बटन पे यहाँ पर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर मैंने वीडियो में बता रखा है कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर है, उसे आप देख लीजिए। और अगर आप कैप्चर कार्ड या ऑडियो कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, या आप अपने माइक वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप जाकर के जिन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।